Hello and assalamu alaikum to BBN followers and cricket lovers. Myself Hadia Fayaz and I'm back with my another video. This video is all about Australia and India's third test match. India ne namumkin ko mumkin kar dikhaya. Jo match bilkul hara hua tha, India ne us match ko draw kar diya. Australia ke khilaaf score karna bilkul bhi aasan baat nahi hai. Bilkul runs karna unke khilaaf, fielding, bowling, batting, kuch bhi karna bilkul aasan baat nahi hai. Wo ek bahut strong team hai. इंडिया के पास उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं थे. एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप बिल्कुल मौजूद नहीं थी उनके पास. विराट कोहली, शिखर धवन जैसे बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन उनके पास मौजूद नहीं थे. सिर्फ रोहित शर्मा ही थे जो उनकी टीम में मौजूद थे. इसके बावजूद इंडिया इस मैच को ड्रॉ करने में कामयाब रहा. इंडिया के ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे. किसी का थंब फ्रैक्चर था, किसी की हैमस्ट्रिंग खिंची हुई थी, किसी के साथ कुछ हुआ हुआ था. पर उसके बावजूद इन सब ने जिस तरह अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिस तरह इन्होंने अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो किया, टेम्परामेंट शो किया है, किस तरह जीतने की लगन देखी है हम लोगों ने आज मैच में, इट इज़ वेरी रिमार्केबल एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय इंडिया. बहुत अच्छी बैटिंग की पुजारा ने, अश्विन ने और उसके बाद विहारी ने. उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत. ऋषभ पंत ने 118 बॉल्स पर 97 की एक बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई. जब उनकी टीम 250 रन्स पे 3 आउट थे उसके बावजूद, और वो इंजर्ड भी थे, इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह की इनिंग खेली, इट वॉज रियली गुड. उसके बाद हम बात करते हैं अश्विन की. अश्विन प्लेड लाइक अ सीनियर प्रो. जिस तरह अश्विन ने अपनी फिजिकल पेन और ऑस्ट्रेलियन की तरफ से होने वाली स्लेजिंग्स को हैंडल किया, इट क्लियरली शोज दैट ही इज वेरी वेरी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग. अब हम बात करने वाले हैं विहारी की. विहारी ने स्कोर तो कुछ खास किया नहीं, 23 रन्स किए 161 बॉल्स पर. पर जो 161 बॉल्स थी, जो 3.5 घंटे उन्होंने पिच पे गुजारे, दैट वाज रिमार्केबल एंड आउटस्टैंडिंग. जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली है, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को स्टैंड दिलवाया है, इंजर्ड होने के बावजूद इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली उस 3.5 घंटे की वजह से. दिस इज़ द ह्यूज ह्यूज मॉरल विक्ट्री फॉर इंडियन क्रिकेट टीम. मेरे ख्याल से इससे अच्छी परफॉर्मेंस कोई भी टेस्ट टीम नहीं दिखा सकती. आई थिंक ऑल हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम. सीरीज तो हो गई है टाइड 1-1 से. अब देखते हैं 2-1 से कौन सी टीम इस सीरीज को अपने नाम करती है. आप लोगों की राय की ज़रूरत है. आप लोग अपनी राय बताएं कि आपको क्या लगता है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतने इंजर्ड प्लेयर्स होने के बावजूद क्या इंडिया अगला टेस्ट मैच जीत सकती है, या ऑस्ट्रेलिया अपनी बहुत शार्पनेस के साथ ये टीम मैच जीत सकती है. आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा.